हेलो किड्स, वेलकम टू टी टू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आज हम सब सुनने वाले हैं एक इंटेलिजेंट यानी कि एक बुद्धिमान खरगोश की कहानी। तो रेडी हैं आप? ग्रेट। बट हम स्टोरी सुने उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक घना जंगल था, वहाँ पे एक शेर रहता था। वो बहुत ही निर्दयी था, वो बहुत ही क्रूर था। वो जानवरों को जब तब मार देता था और उनको खा जाता था। इस वजह से जानवर कहीं पे भी आने जाने में बहुत डरते थे। उनको लगता था कि हम बाहर निकलेंगे और वो शेर हम पे अटैक कर देगा और हमें मार देगा। तो वो सभी जानवर इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और शेर के पास गए और उससे रिक्वेस्ट की कि शेर महाराज, आप जब तब जानवरों को मार देते हैं तो उससे बेहतर है कि हम रोज़ाना आपके पास एक जानवर खुद ही भेज दिया करेंगे ताकि आप उसको मार के खा जाना। इस तरह से आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो शेर को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, मगर उसने कहा कि जिस भी दिन शिकार नहीं आया वक्त से, तो मैं फिर से सभी जानवरों को मारने लग जाऊंगा। तो सभी जानवर सहमत हो गए। अब अगले दिन से उन्होंने रोज़ाना एक जानवर को भेजना शुरू कर दिया। जो भी वो दुर्भाग्यशाली जानवर होता था वो जाता था और शेर उसका शिकार करके उसे खा जाता था। मगर एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वो खरगोश बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने सोचा कि इस शेर से मैं कैसे बचूं, खुद भी बच जाऊं और जंगल वासियों को भी बचा लूं। तो वो यही सोचता सोचता धीरे 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 उस शेर के पास पहुंचा। तब तक शेर इंतज़ार कर कर के भूख के मारे परेशान हो गया था। वो ज़ोर से दहाड़ा और चिल्लाया कि जंगल वासियों ने मेरे पास शिकार भेजा, वो भी इतना सा, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा और वो भी इतना लेट भेजा इसे। तो शेर ने कहा, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद सभी जानवरों को खा जाऊंगा। तो खरगोश रोती हुई आवाज़ में बोला, शेर महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? इस जंगल में एक और शेर आ गया है। उसने मुझे और मेरे साथ आने वाले मेरे दो और साथियों को रास्ते में ही रोक लिया और उसने उन दोनों को खा कर के मुझसे कहा कि जा उस शेर को बता दे कि इस जंगल में एक और शेर आ चुका है और अब मैं उसको भी खा जाऊँगा। ये सुनते ही शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मेरे होते हुए कौन है जो मेरे जंगल पे राज करेगा। उसने उस शेर को कहा, मुझे जल्दी से उस शेर के पास लेके चलो। तो वो खरगोश फटाफट से उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। उसने कहा, शेर महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। तो वो शेर उस कुएं के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक और शेर था, मगर वो तो असल में उसकी परछाई थी। वो ज़ोर से दहाड़ा तो कुएं में से भी दहाड़ने की आवाज़ आई। तो उसे पक्का हो गया कि हाँ, इस कुएं के अंदर एक और शेर रहता है। वो फिर से दहाड़ते हुए उस शेर की तरफ झपटा और वो उस कुएं के अंदर कूद गया, मगर बेचारा शेर उस कुएं में डूब करके खुद ही मर गया। तो इस तरह से उस चालाक बुद्धिमान खरगोश ने खुद की भी जान बचाई और जंगल वासियों की भी जान बचाई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? जी हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मगर इस कहानी से हमने क्या सीखा? जी हाँ, हमने ये सीखा कि बुरे से बुरे वक्त में भी अगर हम बुद्धिमानी से काम लें, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ सकते हैं। तो बी अ स्मार्ट पर्सन, और बुरे वक्त में घबराना नहीं है,
ओके, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगी, तब तक के लिए बाय।